आज जो मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपके एक्ने, पिंपल्स, आपके डार्क सर्कल को रिमूव करेगा। एक हफ्ते में ही आपको 100% रिजल्ट उसका दिखने को मिलेगा। गाइज, मुझे भी एक्ने की थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं भी वो रेमेडी यूज़ कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। सिर्फ एक या दो चीज़ों से आसानी से घर पे वो रेमेडी बनकर तैयार होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो रेमेडी आपको एक बार बनानी है और आप चाहे तो एक या दो हफ्तों तक उसे यूज़ कर सकते हैं गाइस, और आपको एक हफ्ते में ही 100% रिज़ल्ट उसका दिखने को मिलेगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 1 गिलास पानी। अगर आपको रेमेडी ज़्यादा बनानी है तो आप 2 गिलास पानी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमें अपने पानी में एक उबाल आने देना है। एक उबाल के बाद हम गैस को बंद करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, एक उबाल ही देना है हमें पानी को, ज़्यादा उबालना नहीं है। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 2 गिलास पानी डाल रहे हैं तो आप 2 चम्मच ग्रीन टी यूज़ कीजिएगा। बस हमें ग्रीन टी को पानी में डाल के गैस का फ्लेम ऑफ करना है और पानी को ढक देना है और उसे ठंडे होने तक वेट करना है। गाइस, यहाँ पर मैं जो ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ तुलसी ग्रीन टी है, क्लासिक, और ये 100% ऑर्गेनिक है, आप देख सकते हैं। तुलसी ग्रीन टी ऑर्गेनिक इंडिया, 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक। आप यहाँ पर टी बैग भी यूज़ कर सकते हैं, एक टी बैग अपने पानी में डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा पानी ठंडा हो चुका है, हमें पानी को ठंडा करना है। पानी ठंडा हो चुका, अब हम इसे एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। ग्रीन टी गाइस पीने के साथ साथ हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी है गाइस। ये हमारी स्किन को टाइट बनाती है, हमारे एक्ने, पिंपल्स, डार्क सर्कल को रिमूव करती है गाइस। इसके बहुत सारे बेनिफिशियल है, आप इसे बहुत सारे तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। कोई इसका टोनर बनाता है, कोई पेस्ट बनाता है, कोई स्क्रब बनाता है। हम इसे कैसे यूज़ कर रहे हैं वो आज मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसे एक ट्रे में डालेंगे। जी हाँ, हम ट्रे में जो हमने पानी ठंडा किया हुआ था उसको इस ट्रे में डालेंगे। ये देखिए, मैंने पूरी ट्रे को फुल कर दिया है गाइज। ये मेरे लिए एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए इनफ होगा। रोज़ आपको एक आइस क्यूब लेके अपने फेस पे अच्छे से जेंटली मसाज करनी है गाइज। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी और 10 से 15 मिनट में ये आइस क्यूब के फॉर्म में आ जाएगी। देखिए गाइस, 15 मिनट में ये बिल्कुल क्यूब के फॉर्म में आ चुकी है। अब इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाती हूँ। हमें अपने फेस को कर लेना है वॉश, उसके बाद हमें यूज़ करना है आइस क्यूब। गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी आवाज़ को म्यूट कर दिया था बिकॉज़ बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए मैंने फिर इसमें ऊपर से वॉइस डाला है। तो गाइज़, हमें एक क्यूब लेना है और जेंटली अपने फेस पर अच्छे से मसाज देनी है। आप 2 से 3 क्यूब यूज़ कर सकते हैं गाइज़। ये थोड़ा आपको ठंडा लगेगा लेकिन आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा है होता है गाइज़। ये आपके डार्क सर्कल, एक्ने, पिंपल्स, सनबर्न जो आपको हो जाते हैं, आपकी फेस की थकान, ये सारी रिमूव कर देगा गाइज़, अगर आप एक हफ्ते तक इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं तो। और साथ ही साथ गाइस, ये आपके फेस के ऑयल को भी कंट्रोल करता है, आपके ओपन पोर्स को लॉक करके आपके ऑयल को, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, जिससे कि आपके फेस पर ऑयल नहीं जमा होगा, आप फ्रेश फील करेंगे, आपकी आंखों की थकान, जलन भी ये कम करता है गाइस। और साथ ही साथ आपका ऑयल जब कंट्रोल हो जाएगा तो आपके फेस पे चिपचिपापन नहीं दिखेगा, धूल मिट्टी नहीं चिपकेगी और उससे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। ये वरदान है ग्रीन टी आपके फेस के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए। आप चाहे तो रोज़ सुबह चाय की जगह ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं पीने में।
और आप आइस क्यूब नहीं बनाना चाहें तो इसका टोनर बनाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। रोज़ नहाने के बाद आप गुलाब जल की बोतल, जैसे एक बोतल में टोनर बनाकर डाल लें, यही पानी जिसे आपने क्यूब बनाया है उसी को आप यहाँ पर टोनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं छान कर, या फिर दही के साथ आप ग्रीन टी को मिक्स करके फेस पैक की तरह मसाज करके भी यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट तक आप अच्छे से मसाज दीजिए अपने फेस को। उसके बाद आपको अपना फेस वॉश नहीं करना है या पोंछना नहीं है, ऐसे ही उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए अपने स्किन में। ये बहुत ही अच्छा है इंग्रेडिएंट ग्रीन टी, आपके फेस के लिए कोई नुकसान नहीं करेगा। थोड़ी सी आप हाथ से मसाज दे सकते हैं, मसाज देने के बाद उसे ऐसे ही ड्राई होने दीजिए। आप 1 हफ्ते तक करके देखिए, आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद दिखेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।